रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 24 जनवरी तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। पुलिस फोर्स भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की मदद कर रही है। ये फोर्स लोगों की मदद करने के लिए, उनको आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, उनको पंक्तिबद्ध तरीके से कम समय में दर्शन कराने के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसके लिए बुलाई गई है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु रामलला की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। साथ ही अधिकारी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है, हम आपको नजारा दिखाते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से आम जनता की एंट्री होती है, और कल ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद यहाँ पर आए थे। परसों भी वो यहाँ पर थे और लगातार खुद फील्ड पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामलला के लिए देश विदेश से भक्त तोहफे भी ला रहे हैं। महाराष्ट्र से अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचा नंदक खड़ग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 7 फीट लंबे और 80 किलोग्राम वजन के इस खड़ग को नवी मुंबई के नीलेश ने बनाया है, जिस पर भगवान विष्णु के अवतारों को उकेरा गया है। दिव्य खड़ग है, इस खड़ग में तमाम मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। सबसे ऊपर वामन अवतार है, फिर नरसिंह अवतार है, फिर शुक्र अवतार है। तमाम तरह के अवतार यहाँ पर नंदक खड़ग में उकेरे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि लौह दैत्य को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने इसे धारण किया था। इसी नंदक खड़ग से लौह दैत्य का संहार किया, तो ये नंदक खड़ग आज अयोध्या आया है। दिव्य खड़ग है। देश भर से आने वाले भक्तों के लिए ये खड़ग श्रद्धा और दर्शन का विषय बना हुआ है। रामलला के प्रति पूरे देश का समर्पण भाव देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक शुरुआती 2 दिन में ही 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद चढ़ावा आया और इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। आप देख लीजिए किस प्रकार से सोना चांदी हीरे जवाहरात अन्य वस्त्र सब अपने अपने प्रकार से ला रहे हैं लोग। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी भक्त अभी श्रद्धा दिखा रहे हैं और भगवान श्री राम को चढ़ावा भेज रहे हैं। हम तो समझते हैं कि संपूर्ण देश ही जो है ऊपर है, क्योंकि ये आर्थिक तंत्र हो चाहे धार्मिक तंत्र सभी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में हर साल 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जिससे 55,000 करोड़ का लाभ होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में जश्न का माहौल है। अयोध्या पहुंचकर लोग पारंपरिक तरीके से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। महाराष्ट्र से ढोल कलाकारों का एक दल अयोध्या पहुंचा और हनुमान गढ़ी के सामने पहले ड्रम बजाकर स्वागत किया। उसके बाद ढोल नगाड़े और शंखनाद से पूरी अयोध्या गूंज उठी। इन कलाकारों ने विशेष नृत्य किया, जिसमें हाथ में डंडा लेकर ढोल की थाप पर नाचते दिखे। अयोध्या पहुंच रहे भक्त अपनी अपनी तरह से रामलला के प्रति भाव जता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के 4थे दिन अयोध्या में अब भक्तों को रामलला के दर्शन सुबह 6 बजे से ही हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी बेहद खुश हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य पुजारी ने बताया कि पहले दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब आराम से लोगों को दर्शन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं। साधु संत भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर बेहद खुश हैं। संतों का कहना है कि पूरा विश्व रामलला के दर्शन को बेकरार है। पूरा भारत और पूरा विश्व भगवान श्री राम के दर्शन के लिए तत्पर है, और ये मुझे लगता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। 23 जनवरी को जब आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए रामलला का दरबार खुला, तब अचानक भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे अयोध्या में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया था। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप से लेकर जगह जगह भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पुलिस लोगों से दर्शन के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जो श्रद्धालु जहां ठहरा है वहीं सामान रखकर आए, ताकि मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान परेशानी ना हो। साथ ही ट्रेन से आने वाले लोगों से स्टेशन पर बने सामान घर में सामान रखने की अपील की जा रही है। इसके अलावा बस स्टॉप पर भी सामान रखने के लिए क्लॉक रूम बनाए गए हैं। अयोध्या शहर में भी जगह जगह सुविधा रूम बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपना सामान रख सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में भी नागरिक सुविधा केंद्र है, जहां लोग अपने साथ लाए सामान को रख सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सके, इसके लिए दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। देश भर से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देश के हर हिस्से से राम भक्तों ने अयोध्या में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री भेजी है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में 45 जगह भंडारे की व्यवस्था की है और राम सेवकपुरम में एक बड़ा सा भंडार गृह बनाया गया है। जो भंडार गृह है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतना सामान भरा हुआ है कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके। और सब अलग अलग देश के हिस्सों से आए हुए भक्तों ने यहां पर जो भोजन सामग्री है वो दान की है। अयोध्या में अलग अलग जगह चल रहे भंडारे में 2 लाख श्रद्धालुओं के लिए खाने का इंतजाम है। हमारे 45 निशुल्क किचन ऑपरेशनल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। दोनों समय का भोजन है और 2 समय का जलपान है। राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति प्रतिमा अरुण योगीराज ने श्याम शिला पर उकेरी है। जिस शिला को श्री राम का मनमोहक रूप दिया गया है, उसकी खुदाई मैसूर के गुज्जे गोदानपुरा इलाके में हुई थी। जिस श्याम शिला से रामलला की मूर्ति तराशी गई है वो करीब 300 करोड़ साल पुरानी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कृष्ण शिला मैसूर के पास रामदास नामक एक शख्स के खेत को समतल करते समय मिली थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पत्थर काफी टिकाऊ है और जलवायु परिवर्तन के साथ ये खराब भी नहीं होगा, क्योंकि श्याम शिला पानी नहीं सोखती है और ये कार्बन के साथ कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करती है। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान के मुताबिक ज्यादातर ग्रेनाइट चट्टाने पृथ्वी निर्माण के बाद पिघले हुए लावा के ठंडा होने के बाद बनी। जिस शिला से राम की प्रतिमा गढ़ी गई है वो महीन दाने वाली और आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसकी सतह चिकनी होने की वजह से इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। मूर्तिकार आमतौर पर सोप स्टोन से मूर्तियां बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक चमक और चिकनाई होती है। जीनी।